हम लोग निकल गए आज सोनोग्राफी के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट डे हमारे लिए अभी तक, बिकॉज आज फर्स्ट सोनोग्राफी है जो कि परसों नहीं हो पाई, तो हम लोग आज जा रहे हैं। थोड़ा बहुत मुझे पता है, मैं सच बताऊँ मुझे ना खुशी है, देखो झूठ नहीं बोलूँ खुशी है, लेकिन डर ज़्यादा है, मतलब घबराहट टेंशन ज़्यादा है एक्चुअली, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, पता नहीं है एक्चुअली एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, क्या बताएंगे। और जैसा कि हमने पहले भी बोला है कहीं ट्विंस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ट्विंस हैं मैंगो और बेरी, और ऐसा नहीं कि उनको पैम्पर नहीं करना पड़ता, उनको तो बहुत पैम्पर करना पड़ता है। तो उसके बाद एक और ट्विंस नहीं चाहिए बाबा, एक और आज, क्योंकि देखो बादल कैसे है ना, एकदम पूरा बादल बादल वाला माहौल है, एकदम मायूस सा मौसम है, और हमारी सोना भी मायूस है क्योंकि सोफी की तबीयत ठीक नहीं है सुबह से, कल रात से एक्चुअली, कल रात से तबीयत ठीक नहीं है, वही वॉमिट है, नौशिया वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो वॉमिट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, पूरा एकदम थर थर कांपने वाला। हाँ, मैं कांप रही थी। तो पता नहीं, शायद कभी क्या सोफी के साथ ऐसा भी होता है कि सोफी की तबीयत ऐसे ख़राब रहती है, लेकिन जब कुछ नहीं निकलता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, ठीक हो जाती है। जैसे कि हम कोविड टेस्ट के टाइम पे सोफी की तबीयत एकदम एग्जैक्टली, सबने बोला था कि कोविड है, हमने चेक करवाया, चेक करवाते जैसे उसे नेगेटिव बोला, ये एकदम परी की तरह उड़ते हुए नीचे आई, मतलब उसी टाइम ठीक हो गई। तो हो सकता है कि शायद सोनोग्राफी में जो बोल दे कि सिंगल बेबी है, हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, तो शायद हो सकता है सोफी आज ठीक हो जाए, हो सकता है। हार्मोन का प्रॉब्लम है ये, आई नो, केमिकल लो चा थोड़ी है ये, नहीं हो सकता है, यू नेवर नो। चलो चलते हैं, अभी मिलते हैं। अरे ये भी नहीं पता एक्चुअली कि वहाँ शूट कर सकते हैं, तो लेट्स सी, विल सी क्या होता है। हाँ रखा है, सब रखा है, डोंट वरी, टेंशन नहीं है, बहुत है, बहुत ज्यादा। A little longer than a few minutes later. इमोशनल हो गई है बहुत ज्यादा, बहुत कुछ बाद में बताते हैं, अब बताते हैं। Three days later. मैं जस्ट अभी थोड़ी हंसी मजाक कर रही थी और घबराहट छूट गई, कोई तो हो गई, मम्मी बोलते बच्चा बोलता मेरे होते हुए मेरी माँ को कैसे, चलो बच्चा चलो चलो, इट्स लाइक कि मम्मा खुश हो गई है, चलिए शुरू करते हैं तमाशा। हाँ, घबराहट शुरू करते हैं। नहीं, वो बोल रहा था बच्चा कि ये खुश, वैसे हुआ तो बच्चे को लगा कि मम्मा खुश है, हाँ। चलो शैतानी करो तो मम्मा को परेशानी होगी, उसको कितना मजा आ रहा ना आने तक, ऐसा ना उल्टा पकड़ गया, ऐसा लटका गया, तो धोंगी ना। सो हमने सोनोग्राफी करवा लिया, हमने व्लॉग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जिस दिन करवाया था उस दिन तो खुशी खुशी में निकल गया उसका दिन, उसके अगला दिन, उसका अगले दिन, और उसका अगला दिन खुशी खुशी में निकल गया। एक्चुअली खुशी में तभी नहीं निकला, निकला था मेरा तो निकला मेरा नहीं निकला था क्योंकि यहाँ से जाने के पहले ही मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी, एंड आते आते मतलब हाँ तब खुश थे, लेकिन मैंने सोची कि चलो आप कैमरा निकाल के मैं बता देती हूँ कि क्या क्या है कैसा है, लेकिन मेरी तबीयत खराब होती होती इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इनके दीदी भी आए थे बीच में मिलने के लिए, बड़े दीदी आए थे जिनके घर हम हमेशा जाते हैं, वो आए थे, और मेरी तब भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैमरा निकाल के कुछ शूट करूं, वो तो मेरे को संभालते बैठे थे बेचारे, वो आए फिर मेरे को संभालते बैठे थे कि सोना को घर पे आएगा तो उसकी ड्यूटी आपको संभालनी, हम लोग क्या करेंगे, हम कितना संभालेंगे, थोड़ी छुट्टी चाहिए हमको यार, क्या बिरयानी बना के खिलाए थे, दीदी तबियत खराब थी, मेरी दोनों दीदी आके गई, मतलब इनकी दोनों सिस्टर आके गई है, और मैं दोनों भी टाइम पे बिल्कुल भी हालत में नहीं थी, पिंकी दीदी आई तब तो मैं सो हमने निकाल के हमारा सोनोग्राफी हुआ, हम लोगों ने देखा, और कैसा लगा आपको, आप बताओ मैडम क्या था? मुझे तो बता, बहुत खुशी हुई, मतलब सबसे पहले जिस बोलूंगा कि तो डॉक्टर हमको मिले हैं सोनोग्राफी के लिए, वो जो रेकमेंड किया हमारे सोफी के फ्रेंड्स ने, वो बहुत जबरदस्त है, वो हर एक चीज डिटेल में बताते हैं, हर एक चीज, तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया, सोफी को साइड में जो लेटते हैं सोनोग्राफी होते हैं, लेटने के लिए उनकी सोफी की स्क्रीन उस साइड पे थी और मेरी सामने थी, तो एकदम पूरा डिटेल में बता रहे थे कि ये प्लेसेंटा है, इन्होंने स्टार्टिंग से शुरू किया कि ये प्लेसेंटा है और मुझे फोन आ गया है, डिटेल में बताता हूँ मैं, शुरू करता हूँ, जैसे जैसे सोनोग्राफी शुरू हुआ था तो ब्लैक डॉट दिखा रहे, ये क्या, ये ब्लैक होल कहाँ से पल रहा है इसके अंदर, मैं दुनिया हो या नहीं खत्म हो जाए, ये सच में किधर गया, मतलब कहाँ है, छुपने उपने की जगह मिलती है क्या अंदर लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने डीप में गए उनके मशीन से,
और पूरा डिटेल में बताया, मतलब बेबी का हाइट वगैरह, उनका जब उस टाइम तक नोज बन जानी चाहिए थी, वो सब कुछ क्लियर बताया. मतलब वहां जाने पर पता चला हाँ कि ये सब होना चाहिए. फोर्थ मंथ चल रहा है. यस, हम एक मंथ पीछे काउंट कर रहे थे पर फोर्थ मंथ चल रहा था. एक्चुअली कैसा होता है ना, हम लोग तब से काउंट करते हैं जब पीरियड्स नहीं आते हैं. डॉक्टर तब से काउंट करते हैं जब लास्ट पीरियड आपको आया था, तो उनका कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है. तो दैट्स व्हाई हम एक मंथ पीछे चल रहे थे. और वही पता चला, बहुत सारी चीजें पता चला. मतलब कि उस टाइम तक नेजल बोन बन जाना चाहिए था, वो हो गया था. मतलब और गर्दन का जो, मतलब जो नेक का साइज रहता है वो भी एक पर्टिकुलर हो जाना चाहिए. पूरा डिटेल में बताया कि बच्चे का हाइट भी इतना होना चाहिए, सब कुछ सब नॉर्मल है. मतलब सर एक चीज बोला, बहुत हेल्दी बच्चा है, जितना नॉर्मल जितना रहना चाहिए उससे भी बेटर है वो. वही तो खुशी हुई, वही सबसे ज्यादा खुशी की बात थी. हम लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि पता नहीं वहाँ पे शूट अलाउ था कि नहीं, और हम लोग उस मोमेंट पे फिर चले गए थे, तो हमने फिर शूट भी और किया. मैं लिटरली यहाँ सीन चल रहा है मेरे ऊपर, मशीन चल रही है मेरे इस साइड, मशीन चल रही थी स्क्रीन, देख सॉरी स्क्रीन चल रही थी, इधर ये बैठे थे, और मैं पूरा टाइम वो स्क्रीन देख के मेरे आंखों से आंसू निकले जा रहे. मैं इतना रो रही थी वहां पर, सोनोग्राफी में आपको दिखता है जीता जागता जीवाणु है, मतलब बच्चा है, मतलब फेटस बोलते तब तक, मतलब वो है अंदर बेबी. तो मतलब मैं ऐसा हो गया था, है अंदर, मतलब खोखला, मतलब लेस का पैकेट नहीं था वो, मतलब हाँ अंदर एक्चुअली में. पहले मैं सिर्फ प्रेग्नेंट लगती थी, बाद में पता बच्चा भी बच्चा भी सही में एग्जैक्टली पहले सिर्फ प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट बोलते थे प्रेग्नेंट है, तब पता चलता हाँ बच्चा भी है. मतलब ऐसा हवा का गुब्बारा वगैरह नहीं है, प्रेग्नेंट रहेगा तो बच्चा तो रहेगा ना. हाँ पर वो देखने में ज्यादा लगता है. पहली बार बाप बन रहे हैं, पहली बार बन रहा हूँ इसलिए पता नहीं है सारी चीजें. अगली बार आप बनना. क्या बाप, अगली बार मैं ही बनूंगा. अच्छा मैं माँ बनू, बाप तो मैं. शुरुआत करेंगे हम, शुरू से शुरू करते हैं. क्या थोड़ा मेरा कड़ गया, थोड़ा गर्दन पे दर्द आ गया था इसलिए. हाँ अरे चलिए शुरू करते बोला ना मैंने, इसलिए शायद एक्टिवेट हो गया बच्चा. आराम से रिलैक्स. तो जैसे ही सोनोग्राफी स्टार्ट हुई, मैंने बताया आपको, ब्लैक होल दिखा, फिर डॉक्टर ने मशीन से और अंदर गया, तो जैसे ही उसने दिखाया ना, तो बच्चा अपना बम दिखा के सो रहा था. मतलब जब फर्स्ट थिंग हमने देखा बच्चे का बम, मतलब बैग दिख रहा था, बम दिख रहा था, फर्स्ट थिंग वही थी. मतलब क्या ही बोले, फिर वो सो रहा था मजे में, डॉक्टर बोलता रही तो सो रहा है. इसलिए मैं चैन से भाती. हाँ और उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं सोने तो नहीं दे सकते, तो जो मशीन आता है पेट पे लगाने का, उससे पेट जोर जोर से हिलाया, ज्यादा जोर से नहीं, मतलब नॉर्मली हिलाया, और फिर बच्चा फिर उठा थोड़ा सा हंगड़ा ही लेके, एकदम जैसे शाहरुख खान उठता है ना, शाहरुख खान से ओम शांति ओम में कैसा उठता है, एकदम वैसा ही करके एकदम उठा वो. और उसके बाद वो रुका ही नहीं, उसने जो शुरू किया ना, तो डॉक्टर हार्ट बीट लेना चाहते थे, तो फिक्स उनको पॉइंट एक फिक्स करना पड़ता है, वो पॉइंट फिक्स करने ही नहीं दे रहा था. मतलब इतना नाच रहा था, इधर होता, डॉक्टर खुद बोला बहुत मस्ती करता है ये. वो रुका ही नहीं, तो डॉक्टर ने 15 मिनट तो उसी में लगाए हार्ट बीट चेक करने के लिए, पर वो तब नहीं हुआ. फिर डॉक्टर ने बोला कि, मतलब उसको हमारी हिस्ट्री नहीं पता कि हम कैसे हैं, तो इसे बोला जाने दो थोड़ा देर से चेक करते. फिर उसने बाकी सारी चीजें डॉक्टर ने बताया, फिर वापस ट्राई किया एंड में, फिर एंड में जाके हार्ट बीट मिला. आधा घंटा सिर्फ हार्ट बीट चेक करने के लगा, क्योंकि जब बाद में ट्राई किया तो 15 मिनट्स लगे अराउंड हार्ट बीट प्रॉपर लेने के लिए. मम्मी ने बोला चंचल बच्चा है ना, चंचल बच्चा. हाँ चंचल लकी पे गए मेरे पे चंचल, दोनों ही चंचल हो तुम, तो किसको बोलूं मैं कि इसके गए, दोनों ही चंचल हो, दोनों पे जाएगा, दोनों पे जाएगा. मैं एक बार सोनोग्राफी आपको दिखाता भी हूँ, पर पता नहीं आपको कितना समझ में आएगा, पर दिस इज द सोनोग्राफी. तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बेबी यहाँ पे, ये हेड है, ये उसका मतलब नीचे का बॉडी पोर्शन, और ये है हेड, नेजल बोन वगैरह यहाँ पे दिखाया है, और नहीं ये है, हाँ ये नेजल बोन का के का नेजल बोन बता रहे हैं, ये नेजल बोन का है, ये वो नेक का है, कि वो नेक अगर पर्टिकुलर पॉइंट तक नहीं रहती है तब वो डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो सकता है, पर सब नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है. और ये हार्ट बीट है, ये वाली हार्ट बीट है जिसे बहुत टाइम लगा था, तो सब कुछ नॉर्मल है, ये देख सकते हैं आप. बस ब्लेसिंग देते रहिए कि ऐसे नॉर्मल रहे पूरे फेज में. सोनोग्राफी के टाइम पे भी बहुत लात मार रहा था, पर तब इतना सोफी को फील नहीं होता, लेकिन अब फील होता है, मतलब नॉट एकदम बाहर फील नहीं होता, पर अंदर दर्द थोड़ा सा होता है ना, नहीं दर्द नहीं, ऐसा गुड़ गुड़ गुड़
समझ आता है, फील होता है अंदर कुछ तो हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है। अजीब भी लगता है, बहुत अजीब लगता है, इसमें तो घबराहट होती है मुझे। मैं शांत करने के लिए मेरे पास थेरेपी है, मैं कई बार क्या करता हूँ पीठ पे हाथ रख के ऐसे करता हूँ, ऐसा हाथ रखता हूँ दूसरे हाथ से और वो नाचने लग जाता है, पता नहीं और मेरी हालत खराब हो जाती है। मेरे को ये हम लोग एक्चुअली रिएक्शन शूट कर रहे थे तो मुझे ये स्टैंड वगैरह सब प्रॉपर जगह पे रखना है और मुझे भूख भी लग रही है तो मैं कुछ खाता हूँ। मैं भी, इन्हें भी भूख लग रही है, कितना खाएगा ये प्राणी? मैं प्राणी जितना तो उतना कम पड़ता है। सकल देख रहे हो? थोड़ी सी नाराज है, थोड़ी ज्यादा ही दिख रही है। एक्चुअली अभी हम दो दिन बाद शूट करें क्योंकि सोफी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। और ऐसा कर लो ना, आँख में डाल लो, आँख में। सोफी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, दैट्स व्हाई। और मैं एक चीज आप लोगों को पहले बताना भूल गया था जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहता हूँ कि जब सोनोग्राफी वगैरह सब कुछ हो गया ना उसके बाद बहुत बारिश आ रही थी तो हम लोग ना बाहर ही बैठे थे, वेट कर रहे थे कि बारिश रुके और फिर हम लोग जाए, अपने इसमें खोए हुए थे। और दोनों के ना दिमाग में वही स्क्रीन पे जो चल रहा था, बेबी का मूवमेंट एंड ऑल, वही सब कुछ दिमाग में चल रहा था। और आपको इसके पता है कि हम लोगों ने कहा था कि सबसे बड़ा डर था कि ट्विंस नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर हम लोग बैठे थे सोच रहे थे, पता नहीं मुझे ध्यान में क्या है, मैंने कहा सोफी ट्विंस नहीं है, एक ही है। मतलब इतना देर हो गया उसके बाद एकदम से रियलाइज हो गया ट्विंस नहीं है, एक ही है। और हम तो एक दूसरे को ताली मार रहे हैं, ताली मार रहे हैं एकदम, जैसे चीख रहे हैं हम, जैसे कोई विकेट वगैरह ले लिया हो किसी ने। एक्चुअली हम लोग इतने खुश थे कि ध्यान से ही निकल चुका था, तो वो जब याद आया अरे ट्विंस नहीं है तो हमारी खुशी, एक तो हम लोग जिसमें खुश थे वो अलग ही था, लेकिन जब ट्विंस का बोले तो ज्यादा खुश हुई था एक्चुअली। तो हम लोग चीख रहे थे तालियां, जैसे नहीं क्या इंडिया और पाकिस्तान का मैच चलता रहता है और उसमें पाकिस्तान वाले आउट हो जाते हैं तो जो हमको खुशी होती है ना वो वाली खुशी हुई थी। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं ब्लड रिपोर्ट जो हमारी आई है, हमारी मेरी, तो वो चेक कराने के लिए। मैंने कसम से आपको ना वैसे अंधा कर देना, मैंने फिर अंधा कानून हो जाएगा, बैठ जाओ आप ही बोल, मैं नहीं बोलना। एकदम मस्ती तो करना चाहिए। मैं मैंने नहीं कर रही, मेरे को चिढ़ दिला रहे हो, तब से ऐसे ऐसे कर रहे हो, मत करो, मैं ना ब्लॉग ही नहीं करूंगी। ओके तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ऐसी तैसी करवाने जा रहे हैं, बोलो ना किधर जा रहे हैं, चलो आप ही दिखो, बोलो। आज आज मुझे लगता है मतलब कल संडे था, कल सोफी के जो हॉर्मोन्स थे ना वो क्यूट वाले थे, आज मुझे थोड़े गुस्से वाले लग रहे हैं। हॉर्मोन्स बदलते रहते ना, यू नो। तो आज ऐसे आपको ना ऐसा बोर्ड वोर्ड यहाँ पे लगा लेना चाहिए कि आज गुस्से वाले हैं। अच्छा। वो मुझसे शादी करोगे मैं था ना कादर खान, आज बहरे हैं, आज अंधे हैं, वैसे आज गुस्से वाले हैं। सो so, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, इनको रेडी होना बच्चा है, मतलब आधे रेडी है आधे होने के ये इधर से नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं ना, रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं मेरा ब्लड रिपोर्ट जो आया है, मतलब उसका ब्लॉग अलग से आने वाला है तो उसको लेकर हम हॉस्पिटल जाने वाले हैं। एक्चुअली हॉस्पिटल में ना ज्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ काफी लोग रहते हैं, पता नहीं शूट कर सकते नहीं कर सकते, सो इस वजह से हॉस्पिटल का आप लोग समझ सकते हैं ना, काफी लोग मेरी तरह ही ब्लॉक कर रहे हैं एक्चुअली। तो या तो अभी हम लोग बस उधर ही जाने वाले हैं, बारिश इतनी झमाझम चालू है ना जिसकी हद नहीं, तो ऑटो करके निकलते हैं, बाइक पे तो नहीं जा सकती, छतरी ले गया ना, छतरी उड़ जाएगी, उल्टी छतरी भी उसमें पानी जमा करेगी। तो हम ऑटो कैब कुछ करते हैं और फिर निकलते हैं। सो या अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, फैन चालू कर दो, गरम गरम हो रहा है।